नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं एसके कटारिया। दोस्तों, राजस्थान जीके पर वीडियो टेस्ट सीरीज चल रही है और इसी क्रम में ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। दोनों ही वीडियोज बहुत अच्छे चले हैं और बहुत पसंद भी आए हैं। उन दोनों वीडियो के कमेंट में देख रहा था तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और मैंने ये पूछा था कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट तो ये आ रहे थे कि सर क्वेश्चन बहुत सरल हैं, लेकिन दूसरे मैंने कमेंट देखे तो पता चला कि बहुत सारे लोगों के गलत क्वेश्चन भी हो रहे हैं। इजी टेस्ट सीरीज है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वीक तक इजी क्वेश्चनों का संग्रह करके इसी की टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ताकि जिन लोगों का स्तर अभी डाउन है या जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, उसकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलत आ रहे थे, तो मैंने इस टेस्ट सीरीज को एक वीक तक पूरा चलाने का फैसला लिया है। इसके बाद में इसके लेवल को हाई किया जाएगा और आरपीएससी के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी करवा दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें और वीडियो टेस्ट सीरीज देखते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम वीडियो बना करके लाते हैं। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका, यानी स्टूडेंट्स जो हैं, प्रतियोगी जो हैं, उसका लाभ ले पाएंगे और हमें बहुत खुशी होती है जब आप इसको लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। तो चलिए, अब बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज का। दोस्तों, जो लोग अभी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है, वे जल्दी से इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को भी, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप एक पेपर और पेन लेकर के जरूर बैठ जाइए और वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस टेस्ट में कुल 50 क्वेश्चन हैं और 50 में से आपके कितने सही होते हैं, ये आपको ईमानदारी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए भटनेर, ऑप्शन बी रुणेचा, ऑप्शन सी मांड और ऑप्शन डी गठवीडली। सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुणेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगरी का उत्खनन किसने करवाया था? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी और ऑप्शन डी बी के थापर। सही आंसर होगा दयाराम साहिनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर नेहर खां की मीनार स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी बूंदी। सही आंसर होगा कोटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन है? राणा सांगा या राणा कुंभा या राणा प्रताप या राणा हमीर। सही आंसर होगा राणा कुंभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मृण मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी गागरोन, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी नैनवा। सही आंसर होगा नैनवा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी डूंगरपुर। सही आंसर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां पर एक मीनार मस्जिद स्थित है? ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जोधपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहां स्थित है? सवाई माधोपुर या जोधपुर या जयपुर या चित्तौड़गढ़। आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन सी। राजस्थान के किस स्थान से जोहर वृत्त का प्रमाण मिलता है?
चित्तौड़गढ़ से या अजमेर से या रणथंभौर से या आमेर से। सही आंसर होगा रणथंभौर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध ऊखा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी गागरौन और ऑप्शन डी कोटा। सही आंसर होगा बयाना। देखिए यहाँ पर राजस्थान लिखने में थोड़ी सी त्रुटि है, माफी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा व बिहार के अफगानों के विद्रोह को दबाया। ऑप्शन ए सवाई जयसिंह हैं, ऑप्शन बी मानसिंह हैं, ऑप्शन सी रामसिंह हैं और ऑप्शन डी राजा भारमल। सही आंसर होगा मानसिंह हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए रामसिंह हैं, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी भारमल और ऑप्शन डी सूरजमल। सही आंसर होगा सूरजमल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ऑप्शन ए सागरमल गोपा, ऑप्शन बी जोरावर सिंह बारहट, ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट और ऑप्शन डी माणिक्य लाल वर्मा। सही आंसर होगा जोरावर सिंह बारहट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह और ऑप्शन डी राज सिंह। सही आंसर होगा जगत सिंह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जयानक और ऑप्शन डी नयन चंद्र सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजा बख्तार सिंह की छत्री कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अलवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में मत्स्य संघ की राजधानी कहां पर थी। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी जयपुर। सही आंसर होगा अलवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फत्ता थे। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी अकबर। सही आंसर होगा अकबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था। झालावाड़ का या तारागढ़ का या जोधपुर का या सांचौर का। तो इसका आंसर होगा सांचौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत में राठौरों का राज नहीं था। किशनगढ़ में या झालावाड़ में या बीकानेर में या जोधपुर में। सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव चूड़ा किसका पुत्र था। राणा लाखा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राणा जारसिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा राणा लाखा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई। राणा अमर सिंह या राणा हमीर या राणा प्रताप या राणा सांगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राणा प्रताप, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए जमना लाल बजाज, ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी जय नारायण व्यास और ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जय नारायण व्यास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए राठौड़ वंश,
ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश और ऑप्शन डी कछवाहा वंश। सही आंसर होगा परमार वंश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? मानसिंह ने, या दुल्हे राय ने, या चंद्रसेन ने, या भारमल ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दुल्हे राव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारमल आमेर राज्य का शासक कब बना? 1547 ईस्वी में, या 1557 ईस्वी में, या 1543 में, या 1516 में? सही आंसर होगा 1547 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छतरियां कहाँ स्थित हैं? बूंदी में, या गेटोर में, या मंडोर में, या झालावाड़ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गेटोर, ऑप्शन बी। भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र है सिरोही, या दांता, या पालनपुर, या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछवाहा वंश का प्रसिद्ध शासक भारमल किस राज्य का शासक था? कोटा, मारवाड़, आमेर या मेवाड़? सही आंसर होगा आमेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? राणा सांगा, या विजय कुमार, या राजशेखर, या जयानक? सही आंसर होगा राजशेखर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य के बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? जमनालाल बजाज, या अशोक परमार, या राणा जारसिंह, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौर ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां, या हुमायूं, या औरंगजेब, या अकबर? सही आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौर का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए कोटा राज्य से, ऑप्शन बी मारवाड़ से, ऑप्शन सी मेवाड़, और ऑप्शन डी आमेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मारवाड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे कोटा राज्य में, या आमेर में, या सिरोही में, या जोधपुर में? सही आंसर होगा आमेर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1557 ईस्वी में, या 1614 में, या 1607 ईस्वी में, या 1635 ईस्वी में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1614 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है? ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी चंद्रदेव, ऑप्शन सी वासुदेव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है वासुदेव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में स्थित है पटुओं की हवेली, जैसलमेर का किला, नथमल की हवेली, उपरोक्त सभी? ये सभी जैसलमेर में स्थित हैं, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी हैं मदनलाल ढीगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, राम नारायण चौधरी, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है? पाली में, या झालावाड़ में, या बूंदी में, या फिर उदयपुर में? सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छतरियां हैं? चौहान, राठौर, सिसोदिया, या कछवाहा? सही आंसर सिसोदिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? अंग्रेजों से संधि कर ली, अंग्रेज सरकार का सहयोग किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेज सरकार का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में डूंगजी व जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हुए? ऑप्शन ए क्रांति के प्रमुख नेता, ऑप्शन बी लोक देवता, ऑप्शन सी अंग्रेजी छावनी को लूटना, और ऑप्शन डी दानवीर होने से? सही आंसर होगा अंग्रेजी छावनी को लूटना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे? झांसी या मेरठ या अमृतसर या दिल्ली? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? मारवाड़, करौली, उदयपुर या मेवाड़? सही आंसर होगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को खिराज से मुक्त किया था? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी सिरोही। सही आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति द्वारा सब सभा की स्थापना की गई थी? जमना लाल बजाज या गोविंद गुरु या प्रताप सिंह द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा गोविंद गुरु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में नीमू चना है? भीलवाड़ा में या अलवर में या बूंदी में या फिर नागौर में? सही आंसर होगा अलवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी? रामप्रसाद यादव ने या विजय सिंह पथिक ने या मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी। दोस्तों, ये थे आज के टेस्ट के 50 क्वेश्चन। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस टेस्ट में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।